पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ पंजाब सरकार द्वारा किए गए खिलवाड़ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में भारत स्टैंड विद मोदी जी हस्ताक्षर अभियान चलाकर अपना विरोध दर्ज करवाया। पंजाब की घटना के विरोध में लोगों से हस्ताक्षर करवाने चलाए गए इस अभियान में प्रबुद्ध जन एवं कलाकार भी शामिल हुए। राजधानी भोपाल में ये अभियान न्यू मार्केट स्थित टॉप एंड टाउन के समीप आयोजित किया गया। हस्ताक्षर अभियान में पार्टी के प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वंदना जाचक सहित प्रबुद्ध जन एवं कलाकार उपस्थित रहे। नारा लिखा है भारत स्टैंड विद मोदी, इसका आशय यही है कि पूरा भारत आज मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। पिछले दिनों जो पंजाब में वो जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करने गए थे, उनको अंदर पंजाब की सीमा में घुसने नहीं दिया गया, और जहां वो हाईवे पे उनको खड़ा किया गया था वहां पे उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है और जो जान से मारने का षड्यंत्र पंजाब सरकार और कांग्रेस का था, उसके लिए हम लोग ये हस्ताक्षर अभियान करवा रहे हैं कि इसमें जन जन की भावनाएं जुड़ी हुई हैं मोदी जी के साथ, और वो ये चाहते हैं कि मोदी जी दीर्घायु हों, और जो पंजाब में पिछले दिनों मोदी जी के साथ हुआ वो बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? कांग्रेस के खिलाफ हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से, चाहे सरकार में रहे चाहे न रहे, हमेशा सड़कों पर संघर्ष करती आई है जनता के लिए और करती रहेगी। और कांग्रेस आज कहीं भी नहीं है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक कम से कम एक कुछ मोदी जी के हक, उनके अधिकार के लिए उनको कुछ बोलना चाहिए था कि जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई है वो गलती है, लेकिन उसके जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो गलत बयान कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।